हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिजा शेखा। मैं यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ और अभी ना देखें पीछे से थोड़ा सा आपको ब्लू ब्लू लग रहा होगा, तो ये टाइम है सुबह का, फजर का। हम रात में आए थे दो दरिया में आए थे। यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम बहुत लेट नाइट आए थे यहाँ पे और अब सुबह हो चुकी है। अभी भी मैं फजर की नमाज़ पढ़ के हटी हूँ। यहीं पर गाड़ी में बैठ के फजर की नमाज़ पढ़ ली थी मैंने भी और खुर्रम ने भी। तो उसके बाद से देखें ये खुर्रम के ऊपर से जो देखें बादलों का जो झुंड नजर आ रहा है, इतना जबरदस्त लग रहा है इस वक्त। ये देखें जरा कितनी प्यारी सुबह हो रही है। तो सुबह हो चुकी है। हाँ, सुबह हो चुकी है और हम अभी दो दरिया के एक पॉइंट पे हैं, ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को इसका पूरा व्यू दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये देखिए जरा कितना प्यारा हो रहा है मौसम। और अभी लाइट्स ऑफ होने वाली हैं। सुबह हो चुकी है तकरीबन 5:30 का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा व्यू हो रहा है। ये सामने जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, आगे से तो नहीं, ये जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये सब समंदर है। समंदर के साथ वहाँ ऊपर आसमान मिल रहा है उससे। देखो समंदर थोड़ा डार्क कलर का हो रहा है और जो स्काई है वो थोड़ा सा लाइट कलर है। बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। तो हम बहुत लेट नाइट यहाँ पे आए थे और घर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि मुझे ये कैप्चर करना था। मुझे बहुत ही खूबसूरत कैप्चर तो करना ही था लेकिन देखना था अपनी आँखों से, देखना था जो बहुत ही। और फजर हो रही है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरा लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और अब ये वाला ब्लॉग जो है ये है सुबह फजर से जो स्टार्ट किया है मैंने। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त सीनरी हो रही है। मनाहिल कम हियर बेटा। तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। और आयान जो है वो सुबह होने से इतना हैप्पी हो गया कि शुक्र सुबह हुई है, क्योंकि रात में जो है वो लोग ना लाइट्स वगैरह ऑन कराए। ये लाइट्स तो जल रही थी, ये वाली लाइट्स ऑन हुई हुई थी। बहुत अच्छा सा यहाँ का पूरा सिस्टम बना दिया है, पूरे हर तरफ लाइट्स ऑन हुई हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि हुआ ये था कि यहाँ पर जो है ना फिर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो हमें जो ये वाला पॉइंट, हम यहाँ पर बैठे थे गाड़ी में, मैं तो सो भी गई थी 15 मिनट के लिए। मैं गाड़ी में सो गई थी और बच्चे जो हैं वो भी घर जाने का नाम नहीं दे रहे थे, कह रहे थे नहीं हमें सुबह देखनी है। तो हम सुबह अभी यहाँ से घर में सुबह का नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर घर जाएंगे। लेकिन अच्छी तरह से सुबह हो जाएगी, 6 बजे तक मेरे ख्याल से पूरी फुल टाइम रोशनी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं और ये समंदर है। और यहाँ पे जरा ना बहुत शोर, कुछ अजीब किस्म का शोर हो रहा है। आप लोगों को पता है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कुछ लोग बैठे हैं और जैसे ही मैंने नमाज पढ़ना शुरू की तो इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। उससे पहले ही यहाँ नहीं थे, एकदम से ये लोग आए हैं और इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। और मैंने उसी गाने के बीच में नमाज पढ़ी है बड़ी मुश्किल से, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया। नीचे से जाओगे ऊपर? अच्छा, आओ आओ। तो ये देखिए हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से और फिर नीचे जाके फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग शोर कर रहे थे। वो मुझे उन लोगों को दिखाना था कि वो बैठ के गाने गाए चले जा रहे हैं, कहीं कहाँ से आ गए एकदम से, अचानक से नीचे से ऊपर आए हैं। बिस्मिल्लाह। ये चीज वो देखो बसेस रिकॉर्ड पे रखना, हम ड्रिफ्टिंग करेंगे। नहीं करो। अच्छा एक बस नीचे भी खड़ी हुई थी, बताओ जरा। और वो देखो बोट जा रही है। चलो तुम बना रहे हो सर की जल्दी से। वो देखो बोट है, बोट देखो मना है। देखो हाँ अभी नीचे भी जाएंगे। तो ये देखिए फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है। वाह माशाल्लाह से देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है, बताए इनको मेरे हाथ में। ओके कितना प्यारा व्यू आ रहा है। देखिए गुड मॉर्निंग हो चुकी है फाइनली और हम इस वक्त जाग रहे हैं। और मेरा एक बहुत ही यूनिक व्लॉग है ये, आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताइएगा ये वाला व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा। हाँ जी बोट। और ये पीछे जो आप लोगों को नजर आ रहा है देख रहे हैं पीछे, वो देखिए पीछे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
लेकिन यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए कि वो आसमान है और उसके नीचे है दो दरिया का समंदर, और वो जा रही है बोट। एक वो देखें, वो बोट जा रही है, तो ये बोट है और हम देखें कैसे हो गए हैं जाग जाग के। और हम बहुत लेट आए थे, हम पूरी रात हो गई है तकरीबन, हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम सोए नहीं हैं और अभी जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और ये देखिए, और यहाँ की रौनक चेक करें, अभी काफ़ी लोग कम हो चुके हैं, और जब लोग कम हुए हैं तो मुझे बहुत, मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा सॉन्ग्स लगाए हुए थे, तो वो मेरा कॉपीराइट का इशू बन रहा था। तो अब जो है काफ़ी सुकून हो गया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, और गाने बजाने वाले जो लोग थे वो भी चले गए। और ये देखें, ये बच्चे हैं अभी नहीं, और यहाँ तो नीचे हम जा भी नहीं सकते, जाएंगे इधर नहीं जाएंगे नीचे यहाँ। वो देखो, आप कह रहे थे लोग नहीं है, फैमिलीज नहीं है, वो देखे वो खड़ी फैमिली, वो देखो वो फैमिली खड़ी है, यहाँ पर भी वो नहीं है, यहाँ भी तुम खड़े हो सकते हो। हाँ हाँ जी, तो मनाहिर मुझे खींच के लेके जा रही है वहाँ पे, चलें क्योंकि अभी सुबह हुई है। और फाइनली देखो कितनी सारी बोट्स हैं मनाहिर, पानी में रात से चल रही हैं और हमें दिखाई नहीं दे रही। कितनी सारी बोट्स थी जो हमें रात को दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। और देखते ही देखते देखें अल्लाह ताला की कुदरत कि कितनी जल्दी रोशनी आ गई है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। हाँ ये घास है, घास नहीं है इधर, जंगली पौधा है, काट लेगा जंगली पौधा काटता। अभी भी देखो मेरे इसमें कितना डार्क आ रहा है। अच्छा जी देखिए ये ऊपर का व्यू, वो हमारी खार है, तो वो हमारी खार है। एनीवेज तो ये भुट्टे वाला है, हमने इससे रात को भुट्टा लेके खाया था, इनसे नहीं लिया था, ओ किसी और से लिया था चंद देर, और इसलिए मुझे पता नहीं कहाँ। ओके आ जाओ मना है, यहाँ देखो खाली है क्या, ये सब शूट करने वाले आए हैं, मछली का शिकार कर रहे हैं ना वो। हाँ हाँ, तो पीछे देख के शूट कर लेते हैं ना, इसी मछली को वहाँ नहीं बैठ सकते बेटा, वहाँ से उस साइड में भी और उस साइड से भी आ सकती हैं लहरें, सुबह का टाइम हो गया, रात में समंदर को तो देखिए बोट कितनी प्यारी लगती है। और ये है सुबह सुबह का टाइम, और ये देखते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ने लगी है। इतना सारा पानी सही है, तो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और मैं ऐसे दिखा रही हूँ आप लोगों को। वाओ, तो ये देखिए यहाँ की रौनक और सुबह का टाइम। हाँ आ रही है, वो जा रही है बोट, बोट की आवाज भी आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है, और हवा इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। नहीं मैं एक पाँव में रख के खाली मोड़ रही हूँ, और ये मेरा सामने वाव, बहुत सारे बोट नहीं आ रही, क्यों आएंगे,
हाँ जी छोड़ूंगा ना कि जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी जो रात से मेरे लगी हुई है और अभी तक छूटी नहीं है, छूट रही है। बिल्कुल आपका घर ही लग रहा है। क्यों घर घर क्यों लग रहा है? अच्छा मैंने पीछे को थोड़ा सा छुपकलियां लग रही हैं उसको। ये मेरे सर के ऊपर बोल रहा है।
लोग एक पार्क में गए थे, उस वक्त आप बहुत छोटी थी, सुकमा ने मुझे डराया था कि आप मुझे टक्कर दो ना, अब देखना मैं यहाँ से छांग मार के तो पानी में गिर जाऊँगी, उसके बाद मैं बुझाई हो गया था, उसके बाद एकदम से हमारे पीछे बुझाई को मैं लगता था यार मनाइला पीछे बैठ जाओ यहाँ आया ना देखो।
बनी है वहाँ पे, बोलो वो सीढ़ियाँ वहाँ पे देखें। क्यों सीढ़ियाँ क्या करनी है? यार इधर आ जाओ। वो शॉर्ट रिकॉर्ड किया तुमने मेरा, फिर पाँव लगाया अलग कर लेना। हम जा रहे हैं घर और ये है हमारा कराची। और भी अच्छा होना चाहिए कराची को, कराची वालों को भी ख्याल रखना चाहिए कराची को अच्छा रखने के लिए। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आप लोगों से इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स में मिलती रहूँगी। आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करते रहिए। तो मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय कर दो सब। हम सब सोने जा रहे हैं, घर सोने जा रहे हैं हम, इसलिए रखा हुआ है।